जहां पूरा देश कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है, वहीं लॉकडाउन के चलते राजधानी दिल्ली में लोग खाने के एक एक दाने को तरस गए हैं। घटना सदर विधानसभा इलाके की है, जहां आप सरकार के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिली। जहां आनंद पर्वत ट्रॉली वाला बुद्ध विहार इलाके में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। दरअसल यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि जब से कोरोना वायरस महामारी देश में फैली है, तब से आप सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली। जब ये स्थानीय विधायक सोमदत्त से मिलने गए और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो विधायक ने इन लोगों की मदद करने के बजाय अपशब्द बोलकर अपने दरवाजे से भगा दिया। खाना उना मिलता है सर, दो पूरी उस दिन दिया था, बच्चे को भगा दिया। दो पूरी में पांच परिवार किसके दूंगी। एक दिन आया खिचड़ी, एक दिन और आया खिचड़ी। आज चावल दिया है, लाई हुई कल आटा दिया है सबको, तो पैकेट पैकेट सब इधर ले गए। हम लोग किरेदार हैं, नहीं दिया। हम लोग आधार कार्ड लेके जाता हूँ तो बोलता है गांव के आधार कार्ड नहीं काम करेगा। सबको राशन मिला है, हम लोग को नहीं देता है, दिया। वो पैडल वाला मेरा पति रिक्शा चला रहा है, वो बंद है। हम लोग क्या खाएंगे, पांच पर आदमी। हम लोग किराए पे रहते हैं, फंसे पड़े हैं। रोटी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम लोग का 15 तारीख का ये टूटेगा ना, टूटने के बाद में कोई गाड़ी फ्री करा दो, जैसे हम लोग गांव पहुंच जाए कोई तरह। कितने यहाँ पर लोग होंगे? यहाँ कम से कम 5,000 बंदा फंसा पड़ा है, कम से कम 5,000 से। तो आप लोगों को यहाँ सरकार की तरफ से कोई चारा नहीं है। हमारा रोज कमाने खाने वाला है, देख लो। ठेली रिक्शा भी कैमरा वाला, ठेली रिक्शा हम लोग चलाते हैं।